ये आपका और बादल जी दोनों को अलविदा कह रही है पार्टी मंत्री पद से। बन्ना गुप्ता लीड नहीं दिला पाए, बादल पत्रलेख लीड नहीं दिला पाए, इसलिए ये लोग संगठन का काम करेंगे, ये लोग और कोई काम नहीं करेंगे। अच्छी न रहबर न हक में हवा है, जर्जर है किस्ती, ये कैसा सफर है, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। अब डॉक्टर साहब आ गए हैं मेरे, तो वो विभाग संभाल लेंगे, जो चार साल में आपने काम नहीं किया वो चार महीने में काम हो जाएगा। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, गंगा मैया डूबने वाले सब अपने हैं, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा वैसा फेंक के इस तरह का गॉसिप करके उनको आनंद मिलता है। राहुल गांधी जी बोले आपसे खुश हो, मीर साहब पूरा नाराज है, बोल रहे मजबूरी है नहीं तो हम टिकट तक काट देते जो जो लीड नहीं दिला पाए। जो है खरगोश को गुमान हो गया अपनी चाल पर, लेकिन कछुए को जो है ये एहसास था कि हम धीरे चलते हैं, तो वो लगातार चलते रहा और खरगोश जाके बड़ छाँव में जाके सूत गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। मोहब्बत की दुकान में बहुत उथल पुथल मची है जब से आलमगीर चचा जेल चले गए हैं। हमारे साथ मोहब्बत के दुकान के सबसे बड़े पैरोकार और वरिष्ठ नेता मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं। बन्ना जी, बहुत उल्टा पुल्टा सुन रहे हैं हम आपके बारे में। क्या ऐसा उल्टा पुल्टा सुन रहे हैं? ये आपका और बादल जी दोनों को अलविदा कह रही है पार्टी मंत्री पद से। पार्टी ने जितना कुछ दिया वो कम दिया है क्या? पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा, इसमें कहाँ इब्बत है। नहीं कह रहे कि अब डॉक्टर साहब आ गए हैं मेरे, तो वो विभाग संभाल लेंगे, जो चार साल में आपने काम नहीं किया वो चार महीने में काम हो जाएगा। नहीं देखिए, मैं तो पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता था, हूँ, रहूँगा, इसलिए और पिछड़ा कमज़ोर वर्ग का बेटा हूँ, बैकवर्ड हूँ, तो ये सस्ती महंगी अफवाहें बिकती हैं बाज़ारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में, तो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा वैसा फेंक के इस तरह का गॉसिप करके उनको आनंद मिलता है, तो आनंद लेने वाले लोग का आनंद लेने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आनंद नहीं है, कल दो ही जगह पार्टी हुआ, एक जगह जहां शपथ ग्रहण हो गया और एक जहां शपथ ग्रहण का इंतजार है। आप कैसे कर रहे हैं आनंद ले रहे, गॉसिप कर रहे हैं? डॉक्टर डॉक्टर का ही विभाग देखेगा ना। देखिए अभी क्या है ना कि एक राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, गंगा मैया डूबने वाले सब अपने हैं, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। तो देखिए ऐसा है कि बहुत सी बातें आएंगी राजनीति में, लोकतंत्र है, जमहूरियत नहीं। सच्चाई ये है कि बन्ना गुप्ता लीड नहीं दिला पाए, बादल पत्रलेख लीड नहीं दिला पाए, इसलिए ये लोग संगठन का काम करेंगे, ये लोग और कोई काम नहीं करेंगे। पर आप बनिया हैं, बनिया का बच्चा बोलते हैं, तो इसलिए पार्टी आपको विधायक दल का नेता बना रही है, दीपिका जी को मंत्री बना रही है, अनूप सिंह जी को मंत्री बना रही है, और आप दोनों का विदाई और आलमगीर सर का तो विदाई हो ही गया। नहीं तो पार्टी ने जितना कुछ दे दिया है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा दिया है, तो उतना से तो हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। मतलब चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है मंत्री पद? देखिए वो कहते हैं ना कि न माझी न रहबर न हक में हवा है, जर्जर है किस्ती, ये कैसा सफ़र है, अलग ही मज़ा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है, इसलिए मस्त जी रहे हैं। लेकिन मोहब्बत का दुकान में एक ही आदमी के जाने से उथल पुथल, हालांकि बीजेपी अमर बावरी जी को तो जान रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, वो कहे दलित भाई है, हमारा भाई है, वो कह रहे कि एक पद खाली है मंत्री पद का, दलित को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, राजभवन का गेट से वापस लाए थे। यही मैं भी पूछ रहा हूँ कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने बी डी राम साहब जो हैं तीन तीन चचर बार के सांसद हैं और राज्य के पुलिस बोले छह दलित को मंत्री बनाया है कैबिनेट मंत्री। अरे भाई सुनिए ना, तो बी डी राम साहब जो है पुलिस महानिदेशक भी थे, चार बार के सांसद हैं, बहुत समझदार हैं,
उनको बनाना चाहिए था, उनके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। हमारे बड़े भाई विद्युत वरण महतो जी हैं, विद्युत वरण महतो जी कुर्मी जाति से हैं, यहाँ दो दो कुर्मी जाति के, एक उनके सहयोगी दल के चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीते, दूसरा विद्युत महतो जी जीते, तो क्यों नहीं जो है कुर्मी जाति का कितना उपेक्षा किया है भाजपा ने, दलित वर्ग का कितना उपेक्षा, और भाजपा क्या बोलेगी दलित के बारे में। ओबीसी में भी आप कैटेगरी करने लगे कुर्मी और जादव और ये, तो वैसे तो खोज खोज के पार हो जाएगा, 543 को शपथ दिलाना। आप भाजपा क्या बोलेगी, भाजपा का तो मनसा ही जो है एससी एसटी कानून को आप याद करिए 2018 में तोड़ने के लिए जो हलफनामा दायर किया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, देश की जनता इसके विरुद्ध खड़ी हुई। अभी जो 400 पार का इन लोगों ने नारा दिया, और 400 पार का नारा इनका एक हिडन एजेंडा था कि ये चाहते थे कि संविधान को समाप्त करना, आरक्षण की नीति को ख़त्म करने के मंसूबा पाले हुए हैं, और यही कारण है कि जितनी जो है सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो BCCL हो, CCCL हो, MTNL हो, BSNL हो, चाहे वो रेल हो, वेल हो, जहाज हो, बंदरगाह हो, पोर्ट हो, जितने कुछ हैं सबको ये जो है निजीकरण कर रहे हैं, ताकि ये बाबा साहब अम्बेडकर के उस आरक्षण की नीति को ये समाप्त करना चाहते हैं। नह जी, आप PM का भी कभी कदाल सुन लिया कि जो TV पे टाइम नहीं मिलता, मोबाइल पे बोले PM क्या कि सुपुआ हंसे तो हंसे चलनिया हंसने लगा, जो 3 बार जोड़ के मेरे बराबरी का वोट नहीं ला पा रहा है, 99 सीट ला के हाँफ जा रहा है, वो हमको कह रहा है कि इस बार जनता ने सबक सिखा दिया। अरे NDA की सरकार थी, है और आगे रहेगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उन लोगों के बात को तो मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर वो लोग बिल्कुल, हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि जो है खरगोश को गुमान हो गया अपनी चाल पर, लेकिन कछुए को जो है ये एहसास था कि हम धीरे चलते हैं, तो वो लगातार चलते रहा और खरगोश जाके बड़ छाँव में जाके सूत गया, और जब सो गया तो कछुआ जो है जीत गया और खरगोश हार गया। तो मैं जानता हूँ इन लोगों ने पहले कहा था, आपको याद करना चाहिए पूर्व में भी, कि झारखंड में जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने कहा था 65 पार, और जब 65 पार की बात की थी तो यहाँ आया था 23। इन्होंने जो कहा था हरियाणा में जाके 75 पार, वहाँ आया था 40। इन्होंने महाराष्ट्र में कहा था 150 पार, 105 आया था। इन्होंने कहा था जाके मिजोरम में 21 पार, 1 आया था। तो ये लोग क्या है कि इन लोगों का बड़बोलापन है, और जो लोग घमंड कर रहे हैं उनको मुबारक हो, लेकिन आज वो उनको ये एहसास हो रहा है कि उनके ये संवैधानिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करना और बाबा साहब का अंबेडकर का अपमान करना, SC ST कानून को तोड़ना, लोकतंत्र को बंधुआ मजदूर बनाना और एकाधिकार अधिपत्य को लागू करना, ये इनको कहाँ से कहाँ तक ले आया है और कहाँ तक लेके जाएगा। राहुल गांधी जी भले आपसे खुश हो, मीर साहब पूरा नाराज है, बोल रहे मजबूरी है नहीं तो हम टिकट तक काट देते जो जो लीड नहीं दिला पाया है। तो अभी तो आपको सिर्फ विधायक दल का नेता बनाया जा रहा है, लेकिन एक तो हम पूछ ले रहे हैं, आप सीनियर आदमी हैं, ज़ईफ तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम कह दे रहे हैं कि मान लीजिए इरफान जी को आपका विभाग और दीपिका जी को ग्रामीण और बादल जी वाला अनूप जी को और आपको विधायक दल का नेता, ये फार्मूला ठीक लग रहा है, आप खुश रहिएगा ना। अब देखिए ऐसा है कि ना तो भविष्यवक्ता हैं, ना ही ज्योतिषाचार्य हैं, और ना ही जो है गॉसिप करने में विश्वास करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि हम पार्टी के एक अदना से कार्यकर्ता हैं, और पार्टी का जो भी आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। यही कह के फिर आप लोग शपथ ले लिए थे कि पार्टी जो कहेगी मंजूर है मंजूर है, कितना विधायक दिल्ली तक दौड़ लगा लिया, कुछ नहीं हो पाया। तो हमने शपथ लेने ये कह के, यदि हम शपथ ले रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि आप भी शपथ लेकर अरुण सूरी टाइप के पत्रकार बन जाइए, आप भी जो है बन जाइए इंडिया टुडे के संपादक बन जाइए, कुछ ऐसा शपथ आप भी ले लीजिए। शुक्रिया बन्ना जी, कह रहे हैं पार्टी बहुत कुछ दिया है, अब ये ऊपर मन से कह रहे हैं कि अंदर मन से कह रहे हैं, जो इसको ये गॉसिप बता रहे हैं क्या वो सचमुच भविष्य है, क्या होगा कांग्रेस में पता नहीं, लेकिन कुछ तो होने वाला है, जल्द होने वाला है,
तब तक आप देखते रहिए फॉलोअप, क्योंकि हम ही सबसे पहले बताएंगे कि आज ये होने वाला है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। द फॉलोअप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in